तालाक रेखा। दोस्तों, नौजवान साथियों, भाइयों एवं बहनों, आज मैं आप लोगों के बीच तालाक से संबंधित बातें कर रहा हूं। आज का विषय है तालाक। दोस्तों, सभी धर्मों में विवाह परम आवश्यक है, क्योंकि अपने अपने धर्मों के आधार पर या नियमों के आधार पर विवाह होता है, पर होता है दो दिलों का मिलन। विवाह के शुभ अवसर पर काफ़ी खर्च होते हैं, बाजे वगैरह बजते हैं, बड़े उत्साह उमंग के साथ विवाह होता है, पर जब दो दिल का मिलन नहीं होता तो वह नरकीय जीवन हो जाता है और अंत्वगत्वा तलाक हो ही जाता है। दोस्तों, आज मैं तलाक से संबंधित बातें कर रहा हूँ। दोस्तों, तलाक में कौन दोषी है यह नहीं देखा जाता, बल्कि तलाक ही होता है। दोस्तों, नंबर एक, जिस किसी हाथ में शुक्र पर्वत से कोई रेखा निकलकर, यह है शुक्र रेखा से निकलकर हृदय रेखा को छूता हो तो तलाक हो ही जाता है। नंबर दो, भाग्य रेखा, यह है भाग्य रेखा पर यदि दीप का चिन्ह हो तो तलाक हो जाता है। नंबर तीन, विवाह रेखा के अंत में एक गुच्छादार हो तो भी तलाक हो ही जाता है। दोस्तों, तलाक ही होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं बराबर हस्तरेखा से संबंधित आपको वीडियो डालता रहता हूँ और आप देखते रहें। मेरा यही आशा है कि आप बराबर देखते रहें और लाभ उठाते रहें। मैं संत श्री कृष्ण भगत परसौनी, जिला सीतामढ़ी, बिहार। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला। देखने के लिए बहुत बहुत साधुवाद।